हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीना। मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैंने हेल्पिंग वर्ब की वीडियो करा दी, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब की वीडियो मैंने करा दी है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? ता हूँ, ती हैं, ते हैं, या ते हो, या ती हैं, या ता हो, या ती हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती ही, ते हैं, या ती हूँ, या ती हो, या ते हो, ती हैं, या ता है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्या होगा सेंस? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हैं, या ती हो, या ते हैं, या ते हो, ती हैं, ता है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें तो, परंतु सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो तो इसे सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ दें। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए कि कैसे यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आई प्ले, एक ये सिंपल सेंटेंस है। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब के साथ? डू नॉट, आई डू नॉट हेल्प, डू नॉट प्ले। डू आई प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू आई प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, मैं खेलता हूँ। आई प्ले सिंपल सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। इसे हम प्लूरल में बनाएंगे, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। सेकेंड पर्सन, आप खेलते हैं, आप खेलते हैं मतलब यू, यू प्ले। प्लूरल में बनाएंगे, आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। फर्स्ट सिंगुलर में वे बनेगा और प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन, वे या राम खेलता है, ही शी या इट राम प्लेज। वे लोग या लड़के खेलते हैं, दे बॉयज प्ले। अब हम इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिए। मैं जाता हूँ, आई गो। जाने की क्रिया होगी आई गो। सब्जेक्ट क्या? आई गो, जाने की क्रिया, आई गो। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। फोर्थ, मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाफ। क्रिया कहेगी हो रही हंसने की, माई ब्रदर लाफ। उसके दोस्त हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स लाफ। उसके दोस्त हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स लाफ। सिक्स इज, गाय चरती है, काउज ग्रेज। चरना ग्रेज, काउ ग्रेज। सेवन्थ इज, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। क्या क्रिया हो रही है? खेलने की, प्ले, चिल्ड्रन प्ले। एट्थ, पवन और रवि खाते हैं, पवन एंड रवि ईट। क्या क्रिया हो रही है? खाने की, पवन एंड रवि ईट। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। सब्जेक्ट आई, डू हेल्पिंग वर्ब नॉट, डू नॉट गो। सेकेंड इज, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। सब्जेक्ट आई डू नॉट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। थर्ड इज, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। फोर्थ इज, मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डज नॉट लाफ। मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डज नॉट लाफ। फिफ्थ इज, उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, His friend do not laugh. उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, His friend do not laugh. Sixth is, गाय नहीं चरती है,
काउ डू नॉट ग्रेज, गाय नहीं चरती है, काउ डू नॉट ग्रेज। सेवंथ इज बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। एट्थ इज सीमा और रीना नहीं खाती हैं, सीमा एंड रीना डू नॉट ईट, सीमा और रीना नहीं खाती हैं, सीमा एंड रीना डू नॉट ईट, डू नॉट ईट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले मेन हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब मतलब क्रिया फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की। अब सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड क्रिया जो हो रही है जाने की, डू आई गो। सेकेंड इज क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, डू आई रन। थर्ड इज क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। फोर्थ इज क्या मेरा भाई हंसता है, डज माई ब्रदर लाफ, क्या मेरा भाई हंसता है, डज माई ब्रदर लाफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले मेन हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज प्लस में सब्जेक्ट, देन नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, डू हिज फ्रेंड नॉट लाफ। सबसे पहले मेन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट नॉट एंड लाफ, क्या उसके दोस्त नहीं हंसते, डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ, डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। सिक्स्थ इज क्या गाय नहीं चरती है, डू काउज नॉट ग्रेस, क्या गाय नहीं चरती है, डू काउज नॉट ग्रेस। सेवंथ इज क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। एट्थ इज क्या सीमा और रीना नहीं खाती हैं, डू सीमा एंड रीना नॉट ईट, दो एंड हुआ है बीच में जोड़ने के लिए सीमा एंड रीना, डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। डब्ल्यू एच फैमिली में यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डब्ल्यू एच फैमिली, व्हेन व्हाई हाउ एसक्टा का प्रयोग, व्हेन व्हाई हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस, देन सब्जेक्ट का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं, मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, देन मेन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड क्रिया जो हो रही है जाता हूँ, व्हाई डू आई गो। सेकेंड इज मैं कब दौड़ता हूँ, व्हेन डू आई रन, व्हेन कब दौड़ना रन, व्हेन डू आई रन। थर्ड इज तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। फोर्थ इज मेरा भाई क्यों हंसता है, व्हाई डज माई ब्रदर लाफ, मेरा भाई क्यों हंसता है, व्हाई डज माई ब्रदर लाफ। अब डब्ल्यू एच फैमिली को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे व्हेन व्हाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग, व्हेन व्हाई हाउ प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं, उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड लाफ, उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। सिक्स्थ इज क्या है कब नहीं चरती है, व्हेन डू काउज नॉट ग्रास, गाय कब नहीं चरती है, व्हेन डू काउज नॉट ग्रास। सेवंथ इज बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। एट्थ इज सीमा और रीना क्या नहीं खाती हैं, व्हाट डू सीमा एंड रीना नॉट ईट, सीमा और रीना क्या नहीं खाती हैं, व्हाट डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी, रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं, रहे हो या रही हो या रहा है या रही हो, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ या रही हूँ या रहे हूँ या रही हो या रहे हैं या रहा है या रही हैं इत्यादि रहे,
उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ या रहे हैं, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। एम, ही, शी, इट, राम के साथ इज तथा अन्य के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। यू, टू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा और आई के साथ एम का प्रयोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। आई एन जी लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ। एम आई गोइंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एम आई गोइंग एंड वाई एम गोइंग, देख लेते हैं कैसे यूज होगा सेंटेंसों में। सब्जेक्ट प्लस एम इज आ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। सिंगुलर में कैसे बनेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। प्लूरल में हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। सेकेंड पर्सन आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। आप लोग पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। यू सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। सेकेंड थर्ड पर्सन, ही शी इट राम इज रीडिंग, वे या राम पढ़ रहा है। ही शी इट राम इज रीडिंग, वे लोग या लड़के पढ़ रहे हैं। दे या द बॉयज आर रीडिंग, दे या द बॉयज रीडिंग आर रीडिंग। अब मैंने इसके कुछ सेंटेंस भी लिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, गोइंग क्रिया हो रही है, आई एम गोइंग। सेकेंड इज तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। रनिंग दौड़ना, यू आर रनिंग। थर्ड इज वे पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग, वे पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। फोर्थ इज मेरा भाई खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग। मेरा भाई खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग। उसकी बहन हंस रही है, His sister are laughing। उसकी बहन हंस रही है, his sister are laughing। क्रिया क्या हो रही है, हंसने की। गाय घास चर रही है, the cows are grazing grass। घास को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास और चरना grazing। the cows are grazing grass। सेवन्थ इज बच्चे हल्ला कर रहे हैं, the children are making a noise। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, the children are making a noise। एट इज श्याम और कमल भोजन कर रहे हैं, श्याम एंड कमल आर ईटिंग फूड। श्याम और कमल भोजन कर रहे हैं, श्याम एंड कमल आर ईटिंग फूड। अब नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन मैन हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ आई एन जी यूज होती है। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट एंड जाने की क्रिया गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। सेकेंड इज तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग। तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग। थर्ड इज वे नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। वे नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। फोर्थ इज मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माय ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माय ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। फिफ्थ इज उसकी बहनें नहीं हंस रही हैं, हिज सिस्टर आर नॉट लाफिंग। उसकी बहनें नहीं हंस रही हैं, हिज सिस्टर्स आर नॉट लाफिंग। सेवन्थ इज गाय घास नहीं चर रही है, द काउज आर नॉट ग्राजिंग ग्रास। गाय घास नहीं चर रही है, द काउज आर नॉट ग्राजिंग ग्रास। अंतिस बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। हल्ला करना, मेकिंग अ नॉइज। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। एट इज श्याम और कमल भोजन नहीं कर रहे हैं, श्याम एंड कमल आर नॉट ईटिंग फूड।
श्याम और कमल भोजन नहीं कर रहे हैं. श्याम एंड कमल आर नॉट ईटिंग फूड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आर एम, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब सेंटेंस देख लेते हैं. क्या मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुई एम, फिर सब्जेक्ट, फिर जाने की क्रिया हो रही है गोइंग, आई एम गोइंग. क्या मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. सेकेंड इज क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग. क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, आर यू रनिंग. थर्ड इज क्या वे पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग. क्या वे पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग. फोर्थ इज क्या मेरा भाई खेल रहा है, इज माई ब्रदर प्लेइंग. क्या मेरा भाई खेल रहा है, इज माई ब्रदर प्लेइंग. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मेन हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सबसे पहले क्या होगी, मेन वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. अब सेंटेंस देख लेते हैं. क्या उसकी बहनें नहीं हंस रही हैं, आर हिज सिस्टर्स नॉट लाफिंग. क्या उसकी बहनें नहीं हंस रही हैं, आर हिज सिस्टर नॉट लाफिंग. सिक्स्थ इज क्या गाय घास नहीं चर रही है, आर द काउज नॉट ग्रासिंग ग्रास. क्या गाय घास नहीं चर रही हैं, आर द काउज नॉट ग्रासिंग ग्रास. क्या बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज. क्या बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज. एट इज क्या श्याम और कमल भोजन नहीं कर रहे हैं, आर श्याम एंड कमल नॉट ईटिंग फूड. क्या श्याम और कमल भोजन नहीं कर रहे हैं, आर श्याम एंड कमल नॉट ईटिंग फूड. डब्ल्यू एच फैमिली में यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को. व्हेन, व्हाई, हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग. व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी, देन मेन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट सेंटेंस इज मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग. कहाँ, वेयर, डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी सबसे पहले, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, वेयर एम आई गोइंग, जाने की क्रिया और गोइंग. मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग. सेकेंड इज तुम कैसे दौड़ रहे हो, हाउ आर यू रनिंग. तुम कैसे दौड़ रहे हो, कैसे, हाउ, हाउ आर यू रनिंग. थर्ड इज विक क्या पढ़ रहा है, वाट इज ही रीडिंग. विक क्या पढ़ रहा है, वाट इज ही रीडिंग. फोर्थ इज मेरा भाई कहाँ खेल रहा है, वेयर इज माई ब्रदर प्लेइंग. मेरा भाई कहाँ खेल रहा है, वेयर इज माई ब्रदर प्लेइंग. डब्ल्यू एच फैमिली को निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे. When, why, how एक्सेट्रा का प्रयोग. सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, when, why, how प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट यूज होगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. सेंटेंस देख लेते हैं. उसकी बहन क्यों नहीं हंस रही है, तो सबसे पहले क्या यूज हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसकी बहन क्यों, बहनें क्यों नहीं हंस रही हैं. Why are his sisters not laughing? Why are his sisters not laughing? Sixth is बच्चे क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं. Why are the children not making a noise? बच्चे क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं. Why are the children not making a noise? Seventh is गाय कैसे घास नहीं चर रही है. How are the cows not grazing grass? गाय घास कैसे घास नहीं चर रही हैं. How are the cows not grazing grass? Eighth is श्याम और कमल कैसे भोजन नहीं कर रहे हैं. How are the श्याम and कमल not eating food? श्याम और कमल कैसे भोजन नहीं कर रहे हैं. How are श्याम and कमल not eating food? Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है, चुका हूँ,
चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं, या चुको हो, या चुका है या चुकी है, आए, इस सेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट का यूज़ होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी है या चुकी हूँ, चुके हैं, चुको हो या चुकी हो, चुका है, चुकी है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। क्या? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुके हों ये इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो यूज़ होगा। चुका है, चुके यूज़ कैसे होगा? वे खा चुका है, वे पढ़ चुका है, वे सो चुका है, इस तरीके से चुका है, चुके यूज़ होगा। ही शी इट राम के साथ हैज़ यूज़ होता है तथा अन्य के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे, यू, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्लूरल है। अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीखें। जैसे आई हैव रीड, आई हैव रीड, आई हैव नॉट रीड, हैव आई रीड और हाउ हैव आई रीड। सिंपल सेंटेंस भी बनाए मैंने, निगेटिव में भी बनाए हैं, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिली में भी बनाए। हाउ हैव आई रीड, अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ अरबी की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस में। अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाएंगे तो मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। रीड सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। प्लूरल में हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। सेकेंड पर्सन आप पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। क्या यूज़ हो रहा है इसमें? हैव, क्योंकि यू हैव रीड इसे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, यू को प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। यू हैव रीड, आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। थर्ड पर्सन, वे या राम पढ़ चुका है। ही शी इट राम हैज रीड, इन सबके साथ क्या यूज़ होगा? हैज। ही शी इट राम हैज रीड, वे लोग या लड़के पढ़ चुके हैं। दे द बॉयज हैव रीड। अब हम सेंटेंस भी बनाए मैंने कुछ। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म है ये ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। सेकेंड इज तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। थर्ड इज वे सो चुका है, ही हैज स्लैप्ड। ये स्लिप की थर्ड फॉर्म है स्लैप, ही हैज स्लैप्ड। फोर्थ इज मेरा भाई खेल चुका है, माई ब्रदर हैज प्लेड। ये थर्ड फॉर्म है प्लेड की, प्ले की, प्लेड। माई ब्रदर हैज प्लेड। वे जा चुका है, ही हैज गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन। तुम दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन दिल्ली। तुम दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन दिल्ली। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कैसे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट का? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर उसके साथ नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो पता ही आपको क्या कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। मैंने नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन। सेकेंड इज तुमने नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड। तुमने नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड। वे नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लैप्ड। वे नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लैप्ड। मेरे भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। मेरा भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। उसके दोस्त नहीं आए हैं, हिज फ्रेंड्स हैव नॉट कम। उसके दोस्त नहीं आए हैं, हिज फ्रेंड्स हैव नॉट कम। कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है, ये नहीं देख चुका है। कृष्णा हैज नॉट सीन द ताजमहल, कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है। कृष्णा हैज नॉट सीन द ताजमहल। लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, द बॉयज हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। तोड़ना ब्रोकन, द बॉयज हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। श्याम और कमल नहीं गए हैं, श्याम एंड कमल हैव नॉट गॉन। श्याम और कमल नहीं गए हैं, श्याम एंड कमल
हैव नॉट कम हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हैज़ या हैव का सबसे पहले हैज़ या हैव यूज़ होगा, प्लस में सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्या मैंने खाया है, हैव आई ईटन, क्या यूज़ हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट फिर वर्ब। हैव आई ईटन, क्या तुमने पढ़ा है, हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ा है, हैव यू रीड, हैव यू रीड। क्या वे सोया है, हैज़ ही स्लेप्ट, क्या वे सोया है, हैज़ ही स्लेप्ट। क्या मेरा भाई खेला है, हैज़ माई ब्रदर प्लेड, क्या मेरा भाई खेला है, हैज़ माई ब्रदर प्लेड। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे, उसके साथ निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव यूज़ होगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में। क्या उसके दोस्त नहीं आए हैं, हैव हीज फ्रेंड्स नॉट कम, सबसे पहले क्या यूज़ हुआ, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट कम। क्या उसके दोस्त नहीं आए, हैव हीज फ्रेंड्स नॉट कम। सिक्स्थ इज, क्या कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है, तो अब कृष्णा एक है तो इसमें क्या यूज़ होगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन कृष्णा सब्जेक्ट है हमारा, फिर नॉट और सीन, सी की थर्ड फॉर्म है सीन, देन ऑब्जेक्ट। क्या कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है, हैज़ कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल। सेवंथ इज, क्या लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, हैव द बॉयज नॉट ब्रोकन द चेयर, क्या लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, हैव द बॉयज Not broken the chair. क्या श्याम और कमल नहीं गए हैं, Have Shyam and Kamal not gone? क्या श्याम और कमल नहीं गए हैं, Have Shyam and Kamal not gone? अब WH family में use करेंगे present perfect का। When, why, how, एक्सेक्टा का प्रयोग। When, why, how plus have या has प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हैज़ या हैव मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यूज़ देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। मैंने कब खाया है, व्हेन हैव आई ईटन, फ्रेंड्स क्या यूज़ हुआ, सबसे पहले WH फैमिली, फिर मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मैंने कब खाया है, व्हेन हैव आई ईटन, व्हेन हैव आई ईटन। सेकेंड इज, तुमने क्या पढ़ा है, क्या के लिए क्या यूज़ हुआ है, व्हाट, What have you read? तुमने क्या पढ़ा है, What have you read? Third is, with कैसे सोया है, कैसे कैसे है, How? How has he slept? With कैसे सोया है, How has he slept? Fourth is, मेरा भाई कब खेला है, When? कब के लिए, When? When has my brother played? मेरा भाई कब खेला है, When has my brother played? अब हम WH family को use करेंगे negative sentence में। When, why, how? प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं कैसे यूज होगा, सेंटेंस बनाए इसके। कृष्णा ने क्यों ताजमहल नहीं देखा है, क्यों के लिए वाई यूज हुआ है, वाई, ये हमारी WH फैमिली है। देन मेल हैड पेपर क्या है हमारी, हैज। सब्जेक्ट क्या है हमारे, कृष्णा, और नॉट क्या है, नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। कृष्णा ने क्यों ताजमहल नहीं देखा है, Why has Krishna not seen the Taj Mahal? Sixth is, उसके दोस्त कहाँ नहीं आए हैं, कहाँ के लिए, Where? ये WH family है। Have main helping verb, then subject क्या है, His friends। उसके दोस्त कहाँ नहीं आए हैं, Where have his friends not come? लड़कों ने कैसे कुर्सी नहीं तोड़ी है, How have the boys not broken the chair? लड़कों ने कैसे तो कुर्सी नहीं तोड़ी है, हाउ हैव द बॉयज नॉट ब्रोकन द चेयर। एट इज, श्याम और कमल क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव श्याम एंड कमल नॉट गॉन। श्याम और कमल क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव श्याम एंड कमल नॉट गॉन। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे यूज करेंगे, ता रहा हूँ, ती रही
हूँ या ते रहे हैं या ते रहे हो या ती रही हो या ता रहा है ती रही हो रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। किस सेंस में यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का? कि क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ या ती रही हूँ या ते रहे हों या ते रहा रहे हों या ती रही हो ता रहा हूँ या ती रही है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। ही शी इट राम के साथ हैज बीन का यूज होगा तथा यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस सब्जेक्ट है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं समझाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सीखे, जैसे आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, आई के साथ हैव का यूज होगा और उसके साथ बीन लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस में आई हैव नॉट बीन रीडिंग। हैव आई बीन रीडिंग ये कैसे यूज होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन, हैव या हैज के साथ बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं पढ़ता रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं वी हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं वी हैव बीन रीडिंग। सेकेंड पर्सन आप पढ़ते रहे हैं तो यू के साथ हैव यूज होगा। सिंगुलर में भी यूज होता है हैव यू और प्लूरल में भी यूज होता है यू हैव बीन रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहे हैं यू हैव बीन रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहे हैं यू हैव बीन रीडिंग। थर्ड पर्सन वे या राम पढ़ता रहा है ही शी इट राम हैज बीन रीडिंग। ही शी इट राम के साथ क्या यूज हो रहा है फ्रेंड? हैज के साथ बीन। ही शी इट राम हैज बीन रीडिंग, वे लोग या लड़के पढ़ते रहे हैं। फ्रेंड प्लूरल दे द बॉयज हैव बीन रीडिंग, वे लोग या लड़के पढ़ते रहे हैं, ये प्लूरल है। दे द बॉयज हैव रीडिंग। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी बनाए हैं अलग से। मैं हंसता रहा हूँ आई हैव बीन लाफिंग। आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है और क्रिया जो रही है लाफिंग। मैं हंसता रहा हूँ आई हैव बीन लाफिंग। सेकेंड इज आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। आई एन जी भी यूज होती है इसके साथ। आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, यू के साथ हैव का यूज हो रहा है। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत वर्किंग हार्ड। शीला इंतजार करती रही है शीला हैज बीन वेटिंग। शीला हैज बीन वेटिंग, इंतजार वेटिंग, शीला हैज बीन वेटिंग। फोर्थ इज वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है He has been living here for 5 years. 5 वर्षों से फ्रेंड्स 4 का यूज होगा, 4-5 years. He has been living here for 5 years. He has been living here for 5 years. Fifth is हम लोग सुबह से टहल रहे हैं We have been walking since morning. टहलना walking. हम लोग सुबह से टहल रहे हैं We have been walking since morning. सुबह से का सेंस है तो फ्रेंड्स सिंस का यूज होगा सिंस मॉर्निंग। We have been walking since morning. Sixth, तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ रहे हो You have been reading in this college for 2 years. 2 वर्षों से फ्रेंड्स for 2 years. वर्ष फोर सेकेंड ही यूज होता है फ्रेंड्स फोर। तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ रहे हो You have been reading
in this college for 2 years. 7th is, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं. The boys have been making a noise for 3 hours. हल्ला करना, making a noise. लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं. The boys have been making a noise for 3 hours. 8th is, अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी सीख रहा है. अमित has been learning English since Friday last. सीखना, learning. शुक्रवार से, since Friday last. गत शुक्रवार से अंग्रेजी सीख रहा है. अमित has been learning English since Friday last. और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. सबसे पहले क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी भी लगता है हैज या हैव के साथ. सबसे पहले यूज होगा फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं. मैं हंसता नहीं रहा हूँ. I have not been laughing. Subject है सबसे पहले, फिर helping verb, then not और फिर been use होगा. और क्रिया के साथ ing use होगा laughing. मैं हंसता नहीं रहा हूँ. I have not been laughing. I have not been laughing. Second is, आप कड़ी मेहनत नहीं करते रहे हैं. सबसे पहले subject, helping verb के साथ not and then been, फिर मैन हेल्पिंग वर्क वर्किंग मतलब जब क्रिया हो रही है. आप कड़ी मेहनत नहीं करते रहे हैं. यू हैव नॉट बिन वर्किंग हार्ड. शीला इंतज़ार नहीं करती रही है. शीला हैज़ नॉट बिन वेटिंग. इंतज़ार वेटिंग. शीला इंतज़ार नहीं करती रही है. शीला हैज़ नॉट बिन वेटिंग. फोर्थ इज, वे यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है. He has not been living here for 5 years. वे यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है. He has not been living here for 5 years. Fifth is, हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं. We have not been walking since morning. हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं. We have not been walking since morning. We have not been walking since morning. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो. यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years. तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो. यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years. फॉर 2 years. 7th, लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं. द बॉयज have not been making a noise for 3 hours. घंटे के साथ भी फ्रेंड्स फोर का ही यूज होता है. द बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 3 hours. अमित कत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. अमित हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश इन फ्राइडे लास्ट. अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. अमित हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फ्राइडे लास्ट. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. सबसे पहले यूज़ होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. सब्जेक्ट के बाद ही बीन का यूज़ होगा. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्रिया के साथ आईएनजी का यूज़ होता है. हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए. क्या मैं हंसता रहा हूँ? तो इसमें सबसे पहले क्या यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव. उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होगा. फिर क्रिया क्या है हमारी? लाफिंग, हंसने की. क्या मैं हंसता रहा हूँ? हैव आई बीन लाफिंग. क्या मैं हंसता रहा हूँ? हैव आई बीन लाफिंग. सेकेंड इज, क्या आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर वर्क वर्क मतलब जो क्रिया हो रही है काम करने की हार्ड वर्क. हैव यू बीन वर्किंग हार्ड. क्या आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग हार्ड. थर्ड इज, क्या शीला इंतज़ार करती रही है? हैज शीला बीन वेटिंग. क्या शीला इंतज़ार करती रही है? हैज शीला बीन वेटिंग.
फोर्थ इज, क्या वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? Has he been living here for 5 years? क्या वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? Has he been living here for 5 years? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का निगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़, नॉट प्लस बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबसे पहले यूज़ होगा निगेटिव सेंटेंस में। हैज़ या हैव सब्जेक्ट सबसे के बाद नॉट। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या यूज़ होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? हैव। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी। निगेटिव है तो नॉट, नॉट के साथ बीन। जो क्रिया हो रही है वो बाद में यूज होगी टहलने की, वॉकिंग। क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो? सबसे पहले क्या यूज हुआ? हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। नॉट के सेंस में यूज क्या हुआ है? नहीं के सेंस में नॉट। फिर बीन, फिर जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? रीडिंग, पढ़ने की। देन ऑब्जेक्ट फिर अदर। हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स? क्या तुम इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स? सेवंथ इज, क्या लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं? हैव द बॉयज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 आवर्स? क्या लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं? हैव द बॉयज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 आवर्स? फॉर 3 आवर्स। एट इज, क्या अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हैज अमित नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फ्राइडे लास्ट? क्या अमित गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हैज अमित नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फ्राइडे लास्ट? अब हम डब्ल्यू एच फैमिली में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हेन, व्हेन मीनिंग का मीनिंग होता है कब। व्हाई, क्यों। हाउ, कैसे, एक्सेट्रा का पीरियड। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले यूज होगी डब्ल्यू एच फैमिली। देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं कैसे हंसता रहा हूँ? हाउ, कैसे। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली क्या है? हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? हैव। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई। बीन, फिर लाफिंग जो क्रिया हो रही। मैं कैसे हंसता रहा हूँ? How have I been laughing? Second is, आप क्यों कड़ी मेहनत करते रहे हैं? अब क्यों के लिए why? Why क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। फिर बीन, बीन के बाद जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? कड़ी मेहनत, तो वर्क, हार्ड, वर्किंग हार्ड। आप क्यों कड़ी मेहनत करते रहे हैं? Why have you been working hard? Third is, शीला क्यों इंतजार करती रही है? Why has Sheila been waiting? शीला क्यों इंतज़ार करती रही है? Why has Sheila been waiting? Why has Sheila been waiting? वे कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? How has he been living here for 5 years? वे कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? How has he been living here for 5 years? अब डब्ल्यू एच फैमिली को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डब्ल्यू एच फैमिली का निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हम। व्हेन, व्हाई, हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगी। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, सब्जेक्ट, नॉट, बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमको सेंटेंस लिए मैंने इसके, हम लोग कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं? तो हाउ क्या है हमारा? कैसे, ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है। हाउ, हैव, हैव क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट बीन। और वर्ब क्या है? वर्ब क्या हो रही है फ्रेंड्स हमारी? वॉकिंग। वॉकिंग मतलब टहलना। हम लोग कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं? हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग।
60s, तुम कैसे इस कॉलेज में दो वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो? How have you not been reading in this college for 2 years? How can my friend WH family help? Helping but you subject you not नहीं के सेंस में यूज हो रहा है बीन हेल्पिंग वर्ब है हमारी रीडिंग क्रिया काम को करने की तुम कैसे इस कॉलेज में दो वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो हाउ हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years 7th लड़के क्यों 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं वाई हैव द बॉयज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 hours लड़के क्यों 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं Why have the boys not been making a noise for 3 hours? 8th is Amit क्यों गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है Why has Amit not been learning English since Friday last? Amit क्यों गत शुक्रवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है Why has Amit not been learning English since Friday last? इदी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिखकर ज़रूर बताना इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो